आज इस वीडियो में हम अपना मनपसंद जो होम रेमेडीज़ है लेके आए हैं। हमारा जो मनपसंद टॉपिक है अपने चेहरे पर से बाल को हटाना, जो बारीक बारीक बाल होता है उसे हटाना। हम कैसे हटा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और जो मैं बताने वाली हूँ उसे इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर से बाल को हटा सकते हैं जो गाल के यहाँ पे होते हैं। वैसे मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं बट कई को नहीं अच्छे लगते। जो हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं, अपने चेहरे के बाल को हटा सकते हैं। और जो तरीके उसे इस्तेमाल करके अपने चेहरे के बाल को हटा सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तब अपने बाल को हटाएं अपने चेहरे पर से, तब आप खूबसूरत दिखेंगे और पहले से ज़्यादा आप सुंदर दिखेंगे। तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैं तरीके बताने वाली हूँ उसको इस्तेमाल में लाएं और उसे इस्तेमाल करें। तो बाल को हटाने के लिए, बाल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने फेस के लिए फेस मास्क बनाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो बाल हैं जब हम उस मास्क को हटाएंगे अपने चेहरे पर से तो हमारे वो जो मास्क के साथ जो बाल है छोटे छोटे वो भी साथ में आएंगे, जो हमारे फेस पे गंदगी होती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो एक मास्क के साथ आपका दो फायदा। तो चलते हैं इसके अंदर क्या क्या मिस करना है हम वो देखते हैं। इसमें दो टिप्स हैं, इन दोनों टिप्स में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो टिप्स में जो सामान बताया गया आपके पास वो सामान है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो दोनों सेम ही हैं बट आपको थोड़े सामान का आपको थोड़े से फ़र्क दिख सकता है, आपको थोड़े से सामान का फ़र्क दिखेगा, बाकी वही सेम है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ, आपको क्या क्या मिक्स करना है। पहले टिप्स में आपको क्या करना है कि आपको 3 टमाटर लेने हैं या फिर आप 2 टमाटर ले सकते हैं। अगर आप टमाटर का जूस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो उसे क्या कर सकते हैं आप कद्दूकस करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपको 2 टमाटर या फिर 3 टमाटर का इस्तेमाल में लाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप 1 नींबू या 2 नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको देखना है कि आपने टमाटर कितना लिया है या फिर आप अपने फेस के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 2 नींबू लेना है, 2 नींबू को उसके अंदर आपको रस निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जेलेटिन जो पाउडर होता है आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। आप जेलेटिन पाउडर आप शॉप से खरीद सकते हैं या फिर आप बाजार जाके खरीद सकते हैं। तो आपको क्या करना है उसके अंदर आपको जेलेटिन पाउडर इस्तेमाल करना है। आपको आधा चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ज़्यादा बना रहे हैं, अब 2-3 लोग लगाने वाले हो तो आप 1 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेलेटिन पाउडर डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको हनी डालना है उसके अंदर, थोड़ा सा आपको शहद डालना है, आधा चम्मच आप शहद डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपको क्या करना है कि आपको तो पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, एक कौली में मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको गर्म कर लेना है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म करना है ताकि आप अपने फेस पे लगा सकें उसे आसानी से। जब वो पिघल जाएगी, जब वो मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो आपको इतना गर्म करना है कि वो मिक्स हो जाए, पिघल जाए और आपको अपने फेस पर लगाने पर आसानी हो। तो आपको उसे पिघला लेना है, उसके बाद आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका आईब्रोज होता है उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईब्रोज के ऊपर लगाएंगे तो उसके जो बाल है वो भी उखड़ जाएंगे। साथ में आप जब अपना मास्क हटाएंगे अपने फेस पर से तो वो भी उखड़ जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और आपको इस्तेमाल करते समय आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना है कि आपको अपने आईब्रोज पे नहीं लगाना है बल्कि अपने फेस पे लगाना है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो आईब्रोज है वो भी साथ में उखड़ जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब चलते हैं दूसरे टिप्स में आपको क्या करना है कि 2 चम्मच आपको दूध लेना है, कच्चा दूध लेना है, या फिर अगर आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि गर्म जो दूध है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जैसे आपने 2 चम्मच अपने दूध का इस्तेमाल कर लिया तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 2 चम्मच नींबू का रस इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 चम्मच आपको जेलेटिन पाउडर इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने दूध डाला उसके अंदर आप अगर दूध नहीं डालना चाहते हैं, अगर आप हनी की जगह पर जैसे आपने पहले टिप्स में क्या देखा आपने हनी डाला तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि आलू का पानी डाल सकते हैं। आलू को आपको कद्दूकस कर लेना है ना, उसके बाद आपको 4 छन्नी से जो होता है उसके रस निकाल लेना है, आपको अच्छी तरह से रस निकाल लेना है। उसके अंदर 2 चम्मच आपको आलू के पानी मिक्स कर लेना है, उसके अंदर रस मिक्स कर लेना है। और आपको इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपको सेम उसी तरह जो जैसे आपने पहले टिप्स में उसे गर्म किया थोड़ा सा सेम पे रख के आपको गर्म कर लेना है और आपको अपने फेस पे लगाना है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी आपके आईब्रोज पे ना लगे, नहीं तो आपके आईब्रोज हैं वो भी खींचे जाएंगे, उसके भी बाल उखड़ जाएंगे। तो आपको इसमें भी आपको उस बात का ध्यान रखना है। और दूसरे टिप्स में जैसे मैंने बताया बिल्कुल सेम है, बस सामान का फ़र्क है, आपके पास क्या सामान है आप उस सामान को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि जो जेलेटिन का पाउडर है वो डालना ही डालना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आज के लिए इतना ही।